एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं और उत्तेश गुप्ता। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर जिस तरह से आतंकवादियों की बात करें वो सक्रिय हैं और लगातार जो है आतंकी हमले हमें देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से डोडा की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जो है डोडा में मुठभेड़ हो रही है और रात को 2 बजे के करीब एक बार फिर से जो है मुठभेड़ हुई, जिसमें हमारे 2 जवान जो है वो घायल हो गए। और जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि मुठभेड़ जो है जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्र में देखने को मिल रही है। और ये मुठभेड़ जो है कास्तीगढ़ इलाके के जदन गांव में जो है देर रात करीब 2 बजे हुई, जब आतंकवादियों ने चल रहे तलाशी अभियान के लिए एक सरकारी स्कूल में स्थापित अस्थायी सुरक्षा शिविर पर गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों ओर से 1 घंटे से अधिक समय तक गोलीबारी जारी रही। आतंकवादियों की गोलीबारी में 2 सैनिकों को मामूली रूप से चोटें आई हैं। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी में एक कैप्टन सहित 4 सुरक्षाकर्मियों के शहीद होने के बाद देसा और आसपास के वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया था। ऑपरेशन जो है गुरुवार को 4थे दिन में प्रवेश कर गया है और लगातार जो है आतंकवादी जिस तरह से यहां पर सक्रिय हैं, लगातार जो है हमारे सुरक्षा बलों की बात करें, हमारी अन्य एजेंसीज की बात करें, बड़े पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जिस तरह से डोडा की बात करें तो डोडा के जंगलों को खंगाला जा रहा है और आतंकवादियों की तलाश जो है वो यहां पर जारी है। लगातार जो है आतंकवादी अपने होने का एहसास करवा रहे हैं। निसंदेह जो है आतंकवादियों के ग्राफ में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन पिछले 1 महीने से जो है जिस तरह से आतंकवादी जो है एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है। और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है इसका कंडेम भी कर रही है। और जिम्मेदारी की बात करें तो जिम्मेदारी जो है जिस तरह से सुरक्षा एजेंसीज की है, उतनी ही जिम्मेदारी जो है आम नागरिक की भी बनती है। आम नागरिक को भी जो है मुस्तैदी का परिचय देना होगा और कहीं पर भी अगर उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है, संदिग्ध सामान नजर आता है, इसकी सूचना जो है तुरंत जो है पुलिस प्रशासन को, अन्य सुरक्षा बलों को देनी होगी, ताकि समय रहते जो है ऐसी घटनाओं को जो है हम रोक सकें। फिलहाल जो है गवर्नमेंट से भी अपील की जा रही है कि गवर्नमेंट को जो है अपनी नीति में जो है बदलाव करना चाहिए। और जिस तरह से लगातार यहां पर आतंकवादी इस वक्त जो है सक्रिय हैं, डोडा से जो खबर आ रही है, डोडा में जिस तरह से सर्च ऑपरेशन पर जो है यहां पर हमला किया गया, 2 जवान जो है वो जख्मी हो गए हैं, तो लगातार जो है बड़े पैमाने पर एक मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। कठुआ की बात करें तो जिस तरह से कठुआ में रिसेंट जो है हमें घटना देखने को मिली, उसके बाद डोडा की बात करें तो डोडा में जो है पिछले सोमवार से जो है लगातार जो है वहां पर आतंकी हमले हो रहे हैं, एनकाउंटर जो है वो देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से जो है देर रात को 2 बजे की बात है, 2 बजे के करीब जो है सुरक्षा बलों पर जो है आतंकवादियों ने हमला किया और जवाबी कार्रवाई की गई और इस हमले में जो है 2 जवान जो है वो जख्मी हो गए हैं। फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग की बात करें, लंबे समय के बाद जो है जम्मू संभाग में आतंकी घटनाएं जो है लगातार हमें देखने को मिल रही हैं, जिस पर जो है मंथन करने की आवश्यकता है। जो नीति हम लोग लेकर चल रहे हैं उस नीति में जो है बदलाव लाने की आवश्यकता है और आतंकवादियों को उनकी भाषा में जो है जवाब देने की आवश्यकता है। बड़ा प्रश्न ये है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जिस तरह से आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर भी जो है शिकंजा कसने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से उनको लोकल सपोर्ट मिल रही है, जिस तरह से यहाँ पर उनको लोकल मदद मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो है अब हमारे प्रशासन को, हमारी सुरक्षा एजेंसीज को, हमारी गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट कदम जो है वो उठाने होंगे। लगातार जो है आतंकी घटनाओं में जो है इस महीने की बात करें तो इजाफा दर्ज किया गया है। एक बार फिर से डोडा में जो कभी शांतिपूर्ण हुआ करता था, और अब जो है डोडा में जो है इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्र से जो है ऐसी खबरें आ रही हैं। लगातार पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीनों में हमने कई जवानों को जो है वो खो दिया है, हमारे कई जवान जो है वो शहादत पा चुके हैं और उनकी जान जो है काफ़ी कीमती है और उनकी जान जो है वो ज़ाया नहीं होने देनी चाहिए। इसलिए जो है हमारी गवर्नमेंट को जो है अब स्ट्रिक्ट कदम उठाने की आवश्यकता है, आतंकवादियों को उनकी भाषा में जो है जवाब दिया जाना चाहिए। फिलहाल रात को जो है एनकाउंटर में 2 जवान जो हैं वो जख्मी हो गए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलसियर न्यूज़।